हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरे सारे फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी लोग? एकदम मजे में ना? वेरी गुड फ्रेंड्स। जब मैंने आप सभी के साथ किचन क्लीनिंग शेयर किया, डीप किचन क्लीनिंग और हाउस क्लीनिंग शेयर किया, तो बहुत सारे फ्रेंड्स का कहना था कि मैं फ्रिज क्लीनिंग का वीडियो शेयर करूं। तो आज मैं आप सभी के साथ एक रिक्वेस्टेड वीडियो शेयर करने वाली हूं, डीप फ्रिज क्लीनिंग। तो आइए देखते हैं मैं अपने फ्रिज को किस तरीके से बहुत ही इजी तरीके से क्लीन करती हूँ। जब भी फ्रिज क्लीनिंग करनी होती है तो सबसे पहले मैं ये देखती हूँ कि फ्रिज खाली है कि नहीं, क्योंकि जब सब्जियां नहीं होती हैं, फ्रिज खाली होता है, तब फ्रिज की सफाई करने में ज्यादा आसानी होती है। तो जैसे आज मैं क्लीनिंग करूंगी तो आज हमारा फ्रिज खाली है और जो थोड़ा बहुत सामान रहता है फ्रिज में उसे मैं निकालती हूँ। तो इसके लिए सबसे पहले हम लोग फ्रिज को ऑफ कर देते हैं, तो मेन स्विच से ऑफ करके उसका प्लग निकाल लेंगे और उसके बाद हम क्लीनिंग स्टार्ट करेंगे। फ्रिज हमने सुबह 1 घंटे पहले ही बंद कर दिया था और अब हम सारा सामान निकालेंगे। आपने देखा है कि हमारा किचन और हॉल कनेक्टेड है, तो जो डाइनिंग टेबल है वहाँ पर मैं सामान रखती हूँ हमेशा। तो फ्रीज़र में मैं काफ़ी चीज़ें स्टोर करती हूँ, जैसे जो मसाले रेगुलर वाले नहीं हैं, कभी कभी यूज़ होते हैं, वो सारे पैकेट होते हैं, और कॉर्न, स्वीट कॉर्न स्टोर करती हूँ मैं, और आइसक्रीम वगैरह रहती है बच्चों के लिए, या फिर केक में जो आइसिंग के लिए यूज़ करती हूँ मैं क्रीम, वो रहती है। तो काफ़ी चीज़ें रहती हैं, यीस्ट भी मैं फ्रीज़र में ही रखती हूँ। तो फ्रीज़र में जितना भी सामान होता है वो मैंने टेबल पर निकाल के रख दिया है और फ्रीज़र के जो पार्ट्स हैं उन्हें धुलने के लिए रख दिया है। और अब इसी तरीके से मैं फ्रीज़ को भी खाली करूँगी। ड्राई फ्रूट्स में कुछ जो अगर कीड़े लगने होते हैं तो मैं फ्रिज में रखती हूँ, और बहुत सारी चीज़ें रहती हैं जो फ्रिज में हम लोग रखते हैं रेगुलर, वो सारी चीज़ें निकाल निकाल करके मैं टेबल में रख देती हूँ। तो एक तो ये रहता है कि डाइनिंग टेबल पे रखा हुआ है और जब फ्रिज साफ़ हो जाएगा तो मैं रख दूँगी। तो फ्रिज पूरा खाली हो चुका है और फ्रिज में मैं ये मैट यूज़ करती हूँ, मैंने पहले भी बताया था, रेगुलर रहता है ये मैट बिछा हुआ रहता है, और ये दोनों साइड्स वाले जो हैं ये सारे पार्ट्स मैं निकाल करके ही साफ़ करती हूँ। बास्केट तो बहुत ही गंदी हो जाती है क्योंकि सब्जियों का थोड़ा बहुत जो कचरा गिरता है, हमेशा मैं सब्जियां धो के ही रखती हूँ, लेकिन फिर भी निकालते वक्त कुछ ऐसे रह जाती हैं, तो वो सारी चीज़ें उसमें रह जाती हैं। तो ये मैट सबसे पहले निकालेंगे। मैट बहुत ही ईजी रहता है, ये देखिए ये एक रोल होता है जिसके मैंने पीसेस कट करके फ्रिज की मैचिंग की वजह से ये पिंक लगाया है, और अलग अलग कलर के आते हैं ये मैट, रोल आता है पूरा। तो फ्रिज मैट लगाया है और मैं दिखाऊंगी आपको कि अब ऑनलाइन भी आप मैट ले सकते हैं, बहुत सारे व्यूवर्स पूछ रहे थे लास्ट टाइम। तो ये देखिए फ्रिज के सारे पार्ट्स हमने निकाल दिए हैं। अब हम यूज़ करेंगे बेकिंग सोडा। ये बेकिंग सोडा है, बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव रहता है, क्लीनिंग के लिए बहुत अच्छा होता है। तो हम बेकिंग सोडा का यूज़ करेंगे तो फ्रीज़र में भी जो जितना भी है सामान निकालने के बाद, हमने ऐसे चम्मच से उसको फैला दिया है, तो ऐसे आधा चम्मच करीब ऊपर डाल देंगे और साइड्स के जो हैं यहाँ पर भी डाल देंगे, जहाँ भी आपको लग रहा है कि गंदगी है, जहाँ ब्लैक ब्लैक निशान हो जाते हैं या कुछ इस तरीके के कि आपको लग रहा है कि वो नहीं निकल पाएंगे कपड़े से रगड़ने पे, तो इस तरीके से आप बेकिंग सोडा हल्का सा छिड़क देंगे। तो बेकिंग सोडा जब तक इफ़ेक्ट करेगा, पहले से ही हमने उसको डाल दिया है। अगर आप चाहें तो साइड्स के भी जो लगे हुए हैं पार्ट्स वो ना निकालें, आप बेकिंग सोडा से भी क्लीन कर सकते हैं, पर मैं उन्हें वॉश करती हूँ। तो अब मैंने बेकिंग सोडा डाल करके रख दिया है और तब तक ये जितने भी पार्ट्स मैंने निकाले हैं फ्रीज़ के, मैं सारे पार्ट्स विम जेल से क्लीन करती हूँ। तो बस हल्का सा गुनगुना सा पानी लो और उसमें विम जेल डालो और अच्छा सा घोल तैयार हो जाए, फिर एक एक करके पार्ट्स में साफ़ करके जो हमारी बास्केट है जिसमें मैं अक्सर बर्तन रखती हूँ उसमें पूरे रख लेती हूँ। सारे के सारे पार्ट्स कांच के ही हैं आजकल तो फ्रिज में ऐसा ही है, और बहुत ही संभाल के ही उनको साफ़ करके रखना होता है, तो मैं इसमें ही रखती हूँ कि बास्केट में ही रहता है। और मैं पहले भी बता चुकी हूँ मैं किचन में ही ये सारी क्लीनिंग करती हूँ, पहला
मैं खड़े खड़े काम करने में ज़्यादा मुझे सुविधा होती है। दूसरा ये कि यहाँ मुझे लगता है कि ज़्यादा सेफ रहते हैं। ज़मीन पे रख दो, कभी कोई आ गया, बच्चे आ गए, किसी का पैर लग गया या ऐसे स्लिप कर गया, तो ये सब इशू नहीं रहते हैं। और बास्केट में मैं इसलिए रखती हूँ कि वो अंदर ही रहेंगे, उसके अंदर उनको स्लिप करके गिरने टूटने का कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैट भी साफ़ हो जाती है, और लास्ट में अब ये जो बास्केट है वेजिटेबल्स वाली, उसे क्लीन कर लेंगे। तो इसे भी क्लीन करके मैंने सब काउंटर टॉप में ही रख दिया है। पानी यही झड़ता रहेगा और सारे के सारे पार्ट्स सूखते रहेंगे, और सूखने के बाद ही हमें इनका यूज़ करना है। अब है ये गाला का एक पैकेट आता है, एक पैकेट में तीन होते हैं, ये स्पॉन्ज वाइप्स होते हैं, बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं किचन के लिए, बहुत अच्छे। एक पिंक वाला जो मैं यूज़ करती हूँ, उसी में येलो ब्लू ग्रीन ऐसे करके होते हैं, तीन तीन के पैकेट आते हैं, और इससे हम लोग फ्रिज को क्लीन करेंगे। तो इसको हमने जो बेकिंग सोडा डाला है, उसे मैं इस तरीके से इसको पूरे में अच्छे से स्क्रब कर लेंगे। तो बेकिंग सोडा पहले फ्रिज हमने बंद किया तो मॉइस्चर है, उसमें पानी था, और बेकिंग सोडा गीला हो गया उससे, और इन स्पॉन्ज वाइप से हमने अच्छे से पूरा उसको घिस दिया है। जहाँ पर भी काला काला भी आप देखेंगे ना, निशान बन जाते हैं, क्योंकि जो इनके पार्ट्स लगे होते हैं उस जगह पे भी एक एक हल्का सा निशान छोड़ देता है ना ब्लैक वाला, वो भी पूरा निकल जाता है। और जो जितना भी साइड्स हैं डोर के, पूरा अच्छे से आप क्लीन करेंगे, एकदम ब्लैक ब्लैक निकलता है। ऊपर वाला जो हिस्सा होता है, जैसे एंड जहाँ से डोर होता है उसमें, और किनारे जो रबर लगी होती है, वो पूरा क्लीन हो जाता है। मतलब मैंने इससे पूरा सोडे से ऐसे घिस घिस के रगड़ दिया है ना, पूरा जितना भी अंदर सारा का सारा साफ हो जाता है। तो पहले फ्रीज़र में इसी तरीके से पूरा घिस देंगे, जहाँ भी आपको लग रहा है साइड्स में अंदर, पूरा अच्छे से आप उसको घिस देंगे ना सोडे से, तो पूरा बेकिंग सोडा बहुत इफेक्ट करता है, पूरा अच्छे से क्लीन हो जाता है। तो पहली क्लीनिंग यही होती है कि बेकिंग सोडा के साथ आप इसको इस तरीके से साफ़ कपड़े से, यदि आपके पास ये स्पॉन्ज वाइप नहीं है तो आप कपड़े से भी कर सकते हैं। साफ़ नरम कपड़ा ले लो आप, और आराम से पूरे फ्रिज में इस तरीके से हल्का सा घिस दो। बस ज़्यादा गंदा होने ही ना दें, बहुत ज़्यादा गंदी स्मेल भी ना होने दें, सबसे बड़ी चीज़ यही होती है। अब आप साल में एक बार साफ़ करेंगे तो गंदा हो गई, लेकिन अगर आप रेगुलर साफ़ करते रहते हैं तो फ्रिज इतना गंदा होने भी नहीं पाता है। ज़्यादा गंदगी और ज़्यादा गंदी स्मेल ना आने दें फ्रिज में ना। तो ये देखिए, पूरा का पूरा सोडा से जितना भी है अंदर के पार्ट्स वगैरह सब घिस देंगे। ये जो ग्लास हैं, तो इन्हें मैंने अभी सोडा घिसने के बाद निकाला है, और निकालने के बाद फिर एक बार अच्छे से उसको पूरा क्लीन कर दिया है, क्योंकि जो ग्लास है उसको पूरा अच्छे से साफ़ करने में ही मतलब मेरा मन भरता है, इसलिए मैं इनको भी निकाल ही लेती हूँ हमेशा। वो मैंने, अगर आप नहीं निकालते हैं सारे पार्ट्स, तो आप वहीं के वहीं फ्रीज में भी कर सकते हैं, पर मैं उन्हें भी निकालती हूँ, तो मैंने निकाल करके एक बार अच्छे से क्लीन कर लिया है। सोडा से साफ़ करने के बाद भी विम जेल लगा करके उसको पूरा, ग्लासेस मैंने क्लीन करके साइड में रख दिए हैं, और अब पूरा फ्रिज अंदर से साफ हो चुका है। तो अब मैंने ये स्पॉन्ज को पूरा क्लीन कर लिया है, और अब हम ये जितने भी ग्लासेस हैं, ये देखिए विम से भी मैंने इनको साफ कर लिया है। तो अब एकदम अच्छे से साफ हो गए हैं, कांच के जितने भी ये ट्रे लगी हुई थी निकाल करके मैंने इनको वॉश किया है। अगली सफाई होती है कि विनेगर और विम जेल। गुनगुना पानी लेंगे आप, और उसमें विनेगर डालेंगे। विनेगर नहीं है तो आप लेमन यूज़ कर सकते हैं, और हल्का सा ये विम जेल डालेंगे। कोई भी लिक्विड डिटर्जेंट जो आप यूज़ करते हैं डिश वॉशिंग के लिए, आप यूज़ कर सकते हैं हल्का सा, ये नहीं कि फेना फेना बहुत आने लग जाए। और अब ये देखिए, स्पॉन्ज से हमने लिया, गुनगुना पानी है और विनेगर और ये विम जेल, ये बहुत इफ़ेक्टिव है फ्रेंड्स। आप इसे बना करके बॉटल में भी रख लेंगे ना लिक्विड, आप किचन की क्लीनिंग में कहीं पर भी यूज़ कर सकते हैं। ग्लासेस वगैरह साफ़ करने हैं, गैस स्टोव साफ़ करना है, या फिर काउंटर टॉप में कई सारे जार वगैरह होते हैं जिनमें चिकनाई लग जाती है, तो आप डेली जैसे अगर क्लीनिंग करते हैं उसमें भी बहुत इफ़ेक्टिव है ये। तो बस ये गुनगुना पानी है, लास्ट क्लीनिंग यही होती है कि जो हमने सोडा यूज़ किया है हमें उसे अच्छे से क्लीन करना है, और जो विम जेल इसमें लगा हुआ है और विनेगर, विनेगर से तो पूरा अच्छे से क्लीन हो जाती है जितनी भी बॉडी है ये फ्रिज की, एकदम साफ।
तो आप देखेंगे जब आप क्लीन करेंगे, खुद ही फील करेंगे, फ्रिज एकदम साफ हो जाता है। तो इस तरीके की क्लीनिंग आप जब भी आपका फ्रिज रहेगी खाली होना होता है, जैसे हमारे यहाँ होता है कि जब बहुत दिन हो गए अब सब्जियाँ ख़त्म हो रही होती हैं या अब खाली है काफ़ी हद तक, ज़्यादा सामान नहीं भरा हुआ है, क्योंकि फ्रिज में हर घर में भरा ही रहता है कुछ ना कुछ। जब भी हम लोग देखें खाली कि अभी धुलाई करनी है, पता चला इतना सारा सामान है, फिर बाहर निकालो झंझटबाजी। तो अक्सर जब लगे कि मौका है कि हाँ अभी खाली है तो बस ऐसे ही क्लीनिंग कर लो। अगर आप बहुत गंदा है तो सोडा यूज़ करो, अगर गंदा नहीं है ज़्यादा तो आप नॉर्मल, जैसे ये मैं बोल रही हूँ ना विनेगर और ये विम जेल वाले से भी, अगर आपने पूरा पोंछ दिया है फ्रिज तब भी खूब अच्छे से साफ़ हो जाता है। तो लास्ट क्लीनिंग आप इस तरीके से करें, और पूरा फ्रीज़र और फ्रिज जितनी भी अंदर बॉडी है, पूरा डोर वगैरह सब कुछ, ये किनारे में ज़्यादा काला काला जम जाता है, आपने नोटिस किया होगा जो ऊपर वाइट वाइट ऐसे रबर जैसी लगी है बंद करते वक्त, तो ये पूरा ऊपर से नीचे तक साफ़ हो जाता है। और लास्ट में इस तरीके से उसी विनेगर और विम जेल से ही पूरी फ्रिज की बॉडी बाहर से भी अच्छे से पोंछ करके साफ़ कर देते हैं। तो बहुत ही आसान सा तरीका है और इससे फ्रिज हमेशा साफ़ रहता है। सब्जियां हैं, फल हैं, दूध हैं, मुझे लगता है खाने पीने की हर चीज़ हम लोग इसके अंदर ही रखते हैं। अब पूरा फ्रिज जब अच्छे से साफ़ हो गया है, एकदम ड्राई है, किसी तरह की कोई स्मेल नहीं है, और जितने भी पार्ट्स हमने धुले थे वो पूरे ड्राई हो चुके हैं, मैं वहीं काउंटर टॉप में ही रखती हूँ। उसके बाद वो विंडो से हवा भी आती रहती है और बास्केट में सब पूरे सूख जाते हैं, लेकिन अगर कहीं पानी लगा भी है तो नैपकिन से पोंछ पोंछ करके अच्छे से ड्राई करके फिर सारे पार्ट्स हमने लगा दिए। तो फ्रीज़र के सारे पार्ट्स लगा दिए, इसके बाद अब फ्रिज में जो भी पार्ट्स हैं उन्हें लगा देंगे। बहुत ही केयरफुली काम करने चाहिए, बच्चे साथ में आगे पीछे घूमे इस बात का जरूर ख्याल रखें कि जब बच्चे बीच में आते हैं तो हम लोगों का ध्यान जरूर डिस्ट्रैक्ट हो जाता है, फिर कुछ ना कुछ गड़बड़ हो जाती है। तो बस आज दोनों ही बच्चे घर पर थे, शुभी और शुभम हैं, आज छुट्टी है दोनों बच्चों की, तो मैंने आज ये काम किया है क्योंकि बीच बीच में शुभी की हेल्प चाहिए होती है मुझे। लेकिन बस ये है, बच्चों को पहले एक बार अलर्ट कर दें। और ये देखिए ये मैट हैं, ये मैंने ऑनलाइन ऑर्डर किए हैं, ये फ्रीज मैट्स हैं, इन्हें आप फ्रिज में भी लगा सकते हैं, ट्रॉली में भी लगा सकते हैं, हार्ड प्लास्टिक है ये, अच्छा रहता है। इससे क्या होता है कुछ भी अगर फ्रिज में गिर जाता है तो आप निकाल के इन्हें साफ़ कर सकते हैं। और इसी तरीके का ये रोल आता है, ये मैंने रोल लिया था अभी कुछ दिनों पहले लिया था तो हमारा एकदम सही है, और ये तीनों इसी ट्रे के साइज़ का है तो मैं इसे ही डालती हूँ। और ये हार्ड वाली जाली वाला है, ये मैं हमेशा सेंटर वाले ग्लास में रखती हूँ क्योंकि दूध वाला बर्तन मैं बीच वाले में रखती हूँ, कई बार रात में दूध बॉयल करने के बाद हल्का गुनगुना भी रहता है बर्तन, तो इसके ऊपर रखते हैं ना तो डायरेक्ट कांच में कुछ असर नहीं होगा और ना ही प्लास्टिक रहेगी। तो ये वाली मैट मैंने नीचे डाल दी है पतली वाली, और वो जो हार्ड वाली है वो मैं सेंटर वाले में रखती हूँ जहाँ पर वो बड़ा वाला है। और ये हमने ऑनलाइन लिया है, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर करूँगी मैट का भी और इसका भी। ये एक्सटेंशंस हैं, ये बहुत ही यूज़फुल हैं फ्रेंड्स। हरी मिर्ची, नींबू, अदरक, ये चीज़ें ऐसी हैं खाने बैठे और हरी मिर्ची चाहिए, फिर पूरा बास्केट खोलने की ज़रूरत नहीं है। एक्सटेंशन ये जो ट्रे है इनमें फंस जाता है, क्लिप होती है, ये देखिए ऐसे। तो हरी मिर्ची रख लो ग्रीन में या वाइट में, अदरक रख लिया है मैंने, ये पिंक में नींबू रख लिए हैं, और यही तीनों चीज़ें मतलब अर्जेंट में चाहिए होती है, चाय बनानी, अदरक चाहिए, खाने बैठे हरी मिर्ची, तो ये एक्सटेंशन बहुत यूज़फुल है। और सारा का सारा फ्रिज का सामान मैंने रख दिया है जैसे हम लोग हमेशा रखते हैं। थैंक यू।